हाँ, नवरात्र में महिलाएं चाय कॉफ़ी का कम इस्तेमाल करें। हो सकता है सुबह के टाइम उन्हें चाय पीने की आदत हो तो वो पी सकती हैं, उसके 2 या 3 घंटे बाद कोई भी जूस ले लें। फलों में आजकल केला, अंगूर, सेब और बहुत सारे फल आ रहे हैं, खास रसभरी, ये सब खाए जा सकते हैं। पपीता थोड़ा खाने से अवॉइड करते हैं हम लोग, कभी कभी महिलाओं को लूज मोशन हो जाते हैं तो वो हम प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। फिर भी जो महिलाएं कॉन्स्टिपेटेड हैं वो पपीता भी खा सकती हैं हमारी तरफ से। बाकी किशमिश खा सकती हैं, मुनक्का खा सकती हैं, अखरोट खा सकती हैं और बादाम भिगो के खा सकती हैं और इस टाइप की चीज़ें सब कुछ खा सकती हैं। दही खा सकती हैं, नारियल पानी पी सकती हैं, नींबू पानी पी सकती हैं, नींबू की शिकंजी पी सकती हैं, ठंडाई, लस्सी, शरबत का उपयोग कर सकती हैं।